हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव न्यूज़। बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल, सान्या मल्होत्रा और विक्रांत मेसी की अपकमिंग फिल्म लव हॉस्टल का ट्रेलर 14 फरवरी यानी कि आज दर्शकों के बीच मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। ट्रेलर बहुत ही शानदार है और सबसे खास बात कि बॉबी देओल इसमें विलेन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर देखने से ये बात तो साफ है कि ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिससे थ्रिलर का जबरदस्त तड़का लगाया गया है। एक दूसरे के प्यार में दीवाने हो चुके सान्या मल्होत्रा और विक्रांत मेसी प्यार के लिए भाग रहे हैं, जिनके पीछे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और कॉन्ट्रैक्ट किलर की भूमिका में है बॉबी देओल। उनका जबरदस्त लुक सबको सरप्राइज कर रहा है। बॉबी अपने पुराने सोल्जर वाले अंदाज से भी कई कदम आगे नजर आ रहे हैं। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म है और बॉबी देओल इसमें काफी खूंखार और इंटेंस नजर आ रहे हैं। वैसे अब देखना यही है कि क्या बॉबी देओल के हाथ ये दोनों प्रेमी लग पाएंगे या फिर कहानी का होगा कोई और अंजाम। ये जानने के लिए हमें करना होगा इंतजार इस फिल्म के रिलीज डेट का। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन रमन शंकर ने किया है जो गुड़गांव जैसी फिल्म भी बना चुके हैं। बात करें फिल्म के रिलीज डेट की तो इस फिल्म को 25 फरवरी को Zee5 पर रिलीज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।